सकल जैन समाज के अग्रज हमारे मध्य पधार रहे हैं। मुझे सरसंचालक जी से प्रार्थना है आज के संज्ञानक महोत्सव का सभी सकल जैन समाज के विशिष्ट अतिथियों से भी प्रार्थना है दीप प्रज्वलन का प्रारंभ करें। रमो छाया रमो लोई सब ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासिरो मंगलारम च सवेसिम परिमम हवै मंगलम परिमम हवै। सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी का पुनः बहुत अभिनंदन है। मंचासीन संतजन का पूज्य साध्वी जी का सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का पूज्य सरसंचालक जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम को हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। मेरी श्रीमती इंदु जैन जी से प्रार्थना है। श्रीमती इंदु जैन जी का बस केवल 10 सेकंड में आपके समक्ष परिचय रखता हूँ और वो आप उनकी विधा को समझ सकेंगे। जो ये संसद का जब उद्घाटन किया गया जो नवनिर्मित संसद है तो उसमें जैन समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो श्रीमती इंदु जैन जी ने मंगलाचरण के माध्यम से किया था और उनका उपाख्य भी बहुत सुंदर है राष्ट्र गौरव। तो श्रीमती इंदु जैन राष्ट्र गौरव जी से मेरी प्रार्थना है कि मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ। इंदु जैन जी नमो जिनाड़ो जय जिनेन्द्र जय श्री आदिनाथ जय श्री महावीर। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर आप सभी को शुभकामनाएं और 2550वें निर्वाण उत्सव का जो शुभारंभ विगत कई वर्षों से जो पूरे देश में है उनकी प्रेरणा स्वरूप राष्ट्रसंत परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब आचार्य महाश्रवण जी की विदुषी शिष्या साध्वी अरिमा श्री जी महासाध्वी प्रीति रत्ना श्री जी के चरणों में मध्येण वंदामी और आज के मुख्य वक्ता माननीय मोहन राव भागवत जी के को मैं नमन करती हूँ और सभी विशिष्ट अतिथियों और विराजमान विज्ञान भवन में विराजमान सभी श्रद्धेयों को मेरा नमन रमो चिड़ानो जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर की स्तुति महावीराष्ट के स्तोत्र से मैं मंगलाचरण प्रारंभ कर रही हूँ। उसके पूर्व प्राकृत भाषा में जो एक बहुत ही सुंदर रचना है उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। इस सुरासुर मणु सिंधि वंदीदम धो धिखाई कम्मलम परिमामी वढ़माणम तीर्थम धम्मस्य कर्तारम जूम काम कर ले यार यदि ये चैतन्य मुकुरैव भा
व्यय जनिल संतोन्ते रहिता जग साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानो रिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यक्षसु कमलयुगलम् जनान को पापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी तीर्थंकर महावीर ने कहा, जियो खुद और अन्य को भी जीने दो, जीवन सुधा पियो तुम प्रभुवर और अन्य को भी पीने दो, धर्म वही जो सब जीवों को भव सागर से पार लगाए, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समता से जीना सिखलाए, सत्य अचौर्य ब्रह्म अपरिग्रह यथा शक्ति लाओ जीवन में, कलह द्वेष अभिमान शत्रुता कभी न लाओ अपने मन में, प्रभु का दिन निर्वाण ज्योति का पावनतम त्योहार बन गया, महावीर का जीवन जग के जीवों को वरदान बन गया, महावीर का जीवन जग के जीवों को वरदान बन गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की जय। जिनेन्द्र नमो जिड़ान। बहुत सुंदर जी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा के पुरोधा भगवान महावीर स्वामी की जय। अनेकांत के प्रणेता भगवान महावीर स्वामी की जय। राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज, चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज एवं प्रवर्तक डॉक्टर रजिंदर मुनि जी महाराज साहब, सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, नमोस्तु है, मथेन वंदन। आचार्य महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या साध्वी अनिमा श्री जी एवं महासाध्वी प्रीति रत्ना श्री जी, आपको भी शत शत नमन है, मथेन वंदामी। हम सभी मस्तक झुकाकर वंदन करते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, भारतवर्ष संस्कारों से अलंकारित, संस्कारों से अलंकृत भूमि है। उसमें गुरुजन का सम्मान, अतिथि देवो भव का सम्मान हमारे कण कण में समाया हुआ है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आचार्य प्रज्ञा सागर जी दिगंबर परंपरा के पूज्य संत हैं, आपका परिचय मैं आप सबके मध्य रखता हूँ। राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के अंत्यवासी शिष्य हैं आप। परम्पराचार्य राष्ट्र ऋषि कवि कुल तिलक, अनेक धर्मालयों गुरुकुलों अस्पतालों विद्यालयों के प्रेरक एवं प्रणेता हैं। ऐसे अप्रतिम
शिक्षा दीक्षा सिद्ध हस्त परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज, जिन्होंने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त नाम को अक्षरशः सिद्ध करते हुए समाज को भगवान महावीर के 2550वां निर्वाण महोत्सव को विशाल स्तर पर मनाने का 2 वर्ष पूर्व आह्वान किया और समाज ने गुरुदेव की आज्ञा को सदैव की भांति शिरोधार्य किया। आपके आध्यात्मिक सानिध्य के आपके आध्यात्मिक सानिध्य से आज के महोत्सव की गरिमा बढ़ी है, आपका अभिनंदन है। मैं हमारे उत्तर क्षेत्र के माननीय संचालक प्रोफेसर सीताराम जी से विनती करता हूं कि आचार्य जी का स्वागत करेंगे। प्रोफेसर सीताराम जी रोहतक में स्वयंसेवक बने, 5 वर्ष पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अपना समय जो है वो प्रचारक जीवन में दिया। नगर जिला प्रांत विभाग तरह तरह की जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में उत्तर क्षेत्र के आप माननीय संचालक हैं। कॉमन पार्लेंस में कहना हो तो जो हमारा ये नॉर्थ इंडिया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये जो सारा का सारा जोन बनता है उसके आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत आभार है सिकरम जी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी दिगंबर परंपरा के पूज्य संत हैं। हजारों वर्ष पुरानी प्राकृत भाषा के आप राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं। आपकी प्राकृत भाषा की किताबें कई विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। आपने तकरीबन 190 दीक्षाएं दी हैं। आप दिगंबर जैन धर्म में विशाल साधु समुदाय के नायक हैं। आपके कई शिष्य आपके कई शिष्य व प्रविष्य भारत के विभिन्न स्थानों पर साधनारत हैं। आपके पावन सानिध्य से हम सभी कृतार्थ हुए, आपका अभिनंदन है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आप दिल्ली प्रांत के संचालक हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुदेव का स्वागत करें। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी कार्डियो सर्जन हैं, हम दिल्ली के कार्यकर्ता उन्हें मजाक में कहते हैं कि प्रभु ना करे आपकी किसी को कभी जरूरत पड़े लेकिन फिर भी कभी ना कभी कहीं कहीं पर कठिनाई आती है। आप अग्रसेन हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं, बाईपास सर्जरी के आप एक्सपर्ट हैं, आपने लगभग 15,000 बाईपास सर्जरीज परफॉर्म की हैं। ऐसे डॉक्टर जो हैं वो दिल्ली प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत अभिनंदन है। प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी, श्रमण संघीय प्रवर्तक डॉक्टर मुनिराज जी महाराज साहब अपनी साहित्यिक सूझबूझ एवं मंगलमयी प्रवचन प्रबुद्धता के प्रख्यात हस्ताक्षर हैं। आपने स्वयं अपने अग्रज पंडित रतन श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के साथ ही स्वयं को आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब से दीक्षा मंत्र एवं श्रमण जीवन स्वीकार कर जिन शासन की सेवा का संकल्प किया। आप उच्च शिक्षा प्राप्त महान संत हैं। आप संस्कृत, प्राकृत, काव्य व्याकरण, हिंदी, राजस्थानी के तलस्पर्शी विद्वान हैं। आचार्य मुनि जी के शुभ आगमन से आज का महोत्सव मंगलमय हो गया है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से प्रार्थना करता हूं आचार्य जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी
हमारे सह सरकारवा हैं, आपने एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर पीएचडी किया है, विद्वान हैं, सैकड़ों पुस्तकें आपने पढ़ी हैं, अलग अलग विषयों पे आपकी तज्ञता है, आपका ज्ञान है। आप साइंस की बात कर लीजिए, हिस्ट्री की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, फॉरेस्ट एनवायरमेंट की बात कर लीजिए, किसी भी तरह के विषय की बात, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी उन सभी विषयों के अंदर आप तज्ञ हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप माननीय सह सरकारवा हैं। साध्वी अनिमा सिंह जी, आचार्य महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या अनिमा सिंह जी, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रबुद्ध शिष्या साध्वी अनिमा श्री जी, तेरा पंथ धर्म संघ की ख्यातनामा साध्वी हैं, प्रखर प्रवचनकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं। आपको दीक्षा स्वीकार किए 51 वर्ष हो गए हैं। आपने नेपाल भूटान समेत भारत के 18 राज्यों की 60,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, और ये बात केवल साध्वी जी के नहीं लगती है, जितने भी संत जन बैठे हैं इन सब ने भारतवर्ष का कोना कोना जो है वो अपने चरणों से निर्मल किया है, उनके चरणों की धूली भारतवर्ष के कोने कोने में, भारतवर्ष के कण कण में पहुंचती है। सभी साधु जनों के, सभी साधुओं के चरणों में प्रणाम है। साध्वी नीमा श्री जी के पवित्र आगमन से हम सभी कृतार्थ हुए हैं। मैं डॉक्टर श्रुति जी से विनती करता हूं, आप साध्वी जी का अभिनंदन करेंगी। डॉक्टर श्रुति जी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका हैं, उड़ान नाम की एक संस्था चलती है, एनजीओ है, जो युवाओं के बीच में बहुत कार्य कर रही है, उसकी आप कन्वीनर हैं, और कितनी ही फैक्ट फाइंडिंग टीम्स बनी। तरह तरह के कष्ट आते हैं जब समाज के समक्ष कहीं कहीं पर अनाचार अत्याचार होता है, तो उसमें फैक्ट फाइंडिंग टीम बनती है, उस फैक्ट फाइंडिंग टीम्स की आप सदस्य रही हैं, ऐसी डॉक्टर श्रुति जी का आभार है। साध्वी प्रीति रत्नाश्री जी, श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति, शांति दूत, आचार्य नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती विदुषी, आप ओजस्वी वक्ता हैं, धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में आपका भ्रमण रहता है, आपकी पवित्र उपस्थिति से आज के महोत्सव की गरिमा बढ़ी है, आपका शत शत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आहाना जी इनसे विनती करता हूँ साध्वी जी का स्वागत करें। डॉक्टर आहाना जी खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई करा रही हैं आप, मात्र इतना नहीं है, आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, जो आप मूवीज देखते हैं उसके अंदर सर्टिफिकेशन होता है, ए का होता है, यू का होता है, यूए का होता है, वो सर्टिफिकेट देने वाली डॉक्टर आहाना जी हैं। डॉक्टर आहाना जी का बहुत अभिनंदन। अरे का आराध्य मती माता जी, आप भी जैन समाज की प्रवर्तक हैं, भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा के वचन, भगवान महावीर स्वामी के उपदेश घर घर पहुंचाने का आपने संकल्प किया हुआ है, ऐसी साध्वी जी के स्वागत के लिए मैं श्रीमती लीला ललिता निजावन जी उनसे विनती करता हूं, आप साध्वी जी का अभिनंदन करें। ललिता जी खुद बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, निजावन ग्रुप ऑफ कंपनीज की आप डायरेक्टर हैं, फिक्की के अंदर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, फिक्की फ्लो की नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आप नेशनल ट्रेजर हैं और राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, ग्लोबल एम्बेसडर हैं। ललिता निजावन जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस महोत्सव के मुख्य वक्ता
आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संचालक हैं, आप चंद्रपुर विदर्भ के स्वयंसेवक बने, वहां से वेटरनरी मेडिकल साइंस की आपने शिक्षा पूर्ण की, 1975 में आपने प्रचारक जीवन प्रारंभ किया, विभिन्न विभिन्न जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए 2009 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक जी के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्य के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में और विश्व के अलग अलग देशों में आपका प्रवास होता रहता है, हमारा परम सौभाग्य है। मुख्य वक्ता के नाते आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, परम पूज्य सरसंघचालक जी का अभिनंदन है। मैं श्री कन्हैया लाल जी जैन एवं श्री गजराज गंगवाल जी से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य सरसंघचालक जी का अभिनंदन करेंगे। कन्हैया लाल जी जैन खुद एक ग्रुप के सीएमडी हैं, गुरुनिष्ठ हैं, वर्तमान में समग्र जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था भगवान महावीर मेमोरियल समिति के आप अध्यक्ष हैं। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों और में हिंदू संगठन के कार्य के लिए अलग अलग प्रदेशों देशों में जाते रहते हैं। कन्हैया लाल जैन जी का भी अभिनंदन है। श्रीमान गजराज गंगवाल जी, आप त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव के अध्यक्ष हैं, आप समाज सेवी हैं, आप झारखंड बिहार के सराग जैन ट्रस्ट जो सेवा के क्षेत्र में वनवासियों के बीच में काम कर रही है उसके भी आप अध्यक्ष हैं, वर्तमान में आप भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका भी अभिनंदन है। श्रीमान विजय कुमार जी, आपसे अभी प्रार्थना है, श्रीमान कन्हैया लाल जैन जी के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्रीमान विजय कुमार जी, जैसा मैंने बताया उत्तर क्षेत्र, तो उत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप माननीय क्षेत्र कार्यवाह हैं, जनरल सेक्रेटरी जनरली कॉमन पार्लेंस पे कह देते हैं, आपसे विजय कुमार जी से प्रार्थना है, श्रीमान कन्हैया लाल जैन जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के इसी क्रम में श्रीमान सुखराज सेठिया जी, सुखराज सेठिया जी से प्रार्थना है, सीताराम जी व्यास का आप अभिनंदन करेंगे। सुखराम सेठिया जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आज का जो ये इतना भव्य आयोजन आपको दिखाई दे रहा है उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है वो सुखराम सेठिया जी का है, आपसे विनती है, सीताराम व्यास जी का अभिनंदन करेंगे। श्री गजराज जैन गंगवाल जी, परिचय मैंने आपके मध्य रखा है। श्री वरेंद्र नागपाल जी, वरेंद्र नागपाल जी दिल्ली के 8 जोन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विभाग एक जोन के आप माननीय संचालक हैं, प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपका स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत नाम है। आप जब क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जब हेलमेट देखते हैं तो हेलमेट जो है वो आप ही की फैक्ट्री से बनता है, इस तरह के एंटरप्रेन्योर हैं। श्री वरेंद्र जी से प्रार्थना है, श्री गजराज जैन जी से गजराज जैन जी का स्वागत करेंगे। श्री आनंद मल छल्लानी जी, आनंद मल छल्लानी जैन जी, आप तमिलनाडु से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, आप श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका जैन समाज के अंदर बहुत मान है, आपका भी अभिनंदन है। मैं श्री मोहन जी, हमारे दिल्ली के सद्भाव कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के आप सद्भाव कार्य के प्रमुख हैं, श्रीमान मोहन जी से विनती है, श्री आनंद मल छल्लानी जी का अभिनंदन करेंगे। श्री स्वेंग लाल भाई,
स्वेगलाल जी गुजरात से आज के इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं। आप जैन श्वेतांबर तीर्थ क्षेत्रों में पेड़ी ट्रस्ट के आप वर्तमान प्रमुख हैं, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप माने हुए ऑफिस बेयरर हैं, जन कल्याण की आप बहुत कार्य करते हैं, आपका भी अभिनंदन है। श्री अशोक त्यागी जी दिल्ली के प्रांत संपर्क प्रमुख हैं। अशोक त्यागी जी से प्रार्थना है कि श्रीमान स्वेगलाल भाई जी का स्वागत करेंगे। अशोक त्यागी जी दिल्ली की जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर आप डिप्टी डायरेक्टर हैं और पूरा जो कार्य है एजुकेशन का वो श्री अशोक त्यागी जी संभालते हैं। श्री मनसुख लाल सेठिया जी, आप उड़ीसा से इस महोत्सव के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। आप राजस्थान के छोटी खाटू निवासी हैं, भुवनेश्वर प्रवासी हैं, जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उड़ीसा पूर्व के आप सह प्रांत संचालक हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं श्रीमान कुलभूषण आहूजा जी से प्रार्थना करता हूं कि श्रीमान मनसुख लाल सेठिया जी का स्वागत करेंगे। कुलभूषण आहूजा जी संघ के दिल्ली प्रांत के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आपका आहूजा संस के नाम से शॉल का विश्वविख्यात व्यवसाय है, कुलभूषण आहूजा जी का भी अभिनंदन है। श्री रमन जैन जी, श्री रमन जैन जी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सह अध्यक्ष हैं, जीतो नाम के संगठन के साथ आप बड़े सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मैं दिल्ली प्रांत के प्रांत कार्यवाह श्रीमान भारत जी से प्रार्थना करता हूं, आप श्री रमन जैन जी का स्वागत करेंगे। भारत जी ब्रिट्स पिलानी से पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने भी प्रचारक जीवन स्वीकार किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने समाज का कार्य संघ के माध्यम से प्रचारक के रूप में राजस्थान में किया। दिल्ली प्रांत के प्रांत कार्यवाह के नाते से, जनरल सेक्रेटरी के नाते से दिल्ली के कार्यकर्ताओं का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रीमान भारत जी से विनती है इस अभिनंदन के कार्य को पूरा करने के बाद अपना प्रस्तावना का प्रस्ताव है। श्रीमान भारत जी, सभी को जय जिनेन्द्र। पूजनीय संत चरणों में सादर नमन वंदन नमोस्तु। पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, मंच पर उपस्थित जैन समाज की प्रतिष्ठित विभूतियां, माननीय प्रांत संघ चालक जी और आज के इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे इस सभागार में उपस्थित समाज जीवन के सभी प्रमुख बंधु एवं भगिनी, हमारा देश अनेक आध्यात्मिक परंपराओं की जननी है। उन श्रेष्ठतम जीवन दर्शनों में से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में इस सुंदर अवसर पर जब चारों आमनाओं के श्रेष्ठ संत साध्वी तथा पूजनीय सरसंघ चालक जी एक ही मंच पर उपस्थित हैं, हमारे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। देश की सभी आध्यात्मिक परंपराओं को राष्ट्रीय एकात्मता के चिरंतन प्रवाह में जोड़ने के भगीरथ प्रयास में समय समय पर संघ के कार्यकर्ताओं को जैन परंपरा के श्रेष्ठ संतों के दर्शन तथा आशीर्वाद का सौभाग्य मिलता रहता है। समाज उत्थान तथा सेवा के अनेक कार्यों को हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर निरंतर कर ही रहे हैं। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इस वर्ष इस अवसर की पावन स्मृति में माननीय सरकारवा जी की ओर से एक वक्तव्य भी जारी किया गया। इसी की पृष्ठभूमि में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करते हुए आज के इस सुंदर आयोजन की कल्पना ने जन्म लिया। हमारा सौभाग्य है कि अपने सभी पूजनीय संतों और जैन समाज के श्रेष्ठ बंधुओं ने भी सहर्ष इसका समर्थन करके हमारा उत्साह वर्धन किया। यहां यह कहना उचित ही होगा कि हमने केवल कार्यक्रम की कल्पना ही की थी, लेकिन इसके पूरे आयोजन को भव्यता, दिव्यता
और आयोजन के संबंध में एक एक बात के संबंध में मार्गदर्शन पूजनीय संतों ने दिया और क्रियान्वयन का पूरा भार मंच पर अपने सामने विराजे श्रेष्ठ जनों ने और मेरे सामने सभागार में उपस्थित जैन समाज के श्रेष्ठ महानुभावों ने अपने कंधों पर लेकर इसे आज के स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आज पूरा विश्व जिस संकट एवं संघर्ष के काल में जी रहा है उसमें भगवान महावीर स्वामी के जीवन एवं शिक्षाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज इस सभागार से श्रेष्ठ संतों तथा पूजनीय सरसंघ चालक जी के मार्गदर्शन से जिस ऊर्जा का सृजन होगा उससे हम सभी एक साथ मिलकर भारत माता को पुनः विश्वगुरु के सिंहासन पर बैठाने के कार्य में अधिक तीव्रता से कर्मशील हो जाएंगे और भगवान महावीर स्वामी के सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह के संदेश को संपूर्ण विश्व में फैलाकर विश्व को बंधुत्व शांति सुव्यवस्था का मार्ग बताएंगे। इसी भार है भारत जी का। आपने भव्यता दिव्यता की बात कही, किस तरह से पूजनीय संतों के माध्यम से इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को भव्यता दिव्यता मिली, सकल जैन समाज ने किस तरह से इसका मार्गदर्शन किया। उसी जैन समाज के अग्रज श्री कन्हैयालाल जैन जी से विनती है। कन्हैयालाल जैन जी, आज मैं अपनी ओर से समस्त सभागार की ओर से भगवान महावीर चरणों में आदर वंदन करता हूँ आपकी सबकी ओर से। यहाँ विराजित सभी आचार्य पर्वत, संत मुनिगण, साधु वृंद व आपकी सभा के आयोजक श्री मोहन भागवत जी, आरएसएस के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, सम्मानित मंच, धारे में सभी अतिथिगण, हमारे सभी जैन समाज का, भगवान महावीर मेमोरियल का और सभी संस्थाओं का ये परम सौभाग्य है कि आज का ये पवित्र दिन आरएसएस ने मनाने का निर्णय किया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसी बड़ी संस्था आरएसएस, जैसे दूसरे संस्था पूरे विश्व में इतने मेंबर वाली संस्था और कोई नहीं है, वो भगवान महावीर के नाम का आह्वान करती है। तो हमारे पूरे देशवासियों के लिए, पूरे सकल जैन समाज के लिए ये बड़े गौरव की बात है और हम उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हम बड़े आपके आभारी हैं कि आपने हमारे कार्यक्रम ये किया। भगवान महावीर आज से 2600 साल पहले इस धरती पर अवतरण हुए, उनकी प्रासंगिकता लगती है कि जो आज होते वो ज्यादा प्रासंगिक थी, हमें जरूरत आज बहुत थी। दोनों ने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, ऋचा, इन सब से लेकर जो समाज को जो दिशा दी वो अपने आप में बड़ी आज बहुत प्रासंगिक है। जैसे जैसे देश ने प्रगति करी, उनके विचारों की, उनके नियमों की, उनके सिद्धांतों की जितनी अपेक्षा आज है, यदि ये प्रतिशत मात्र भी उनका आचरण कर सकें, पता नहीं देश सुधरेगा फिर नहीं सुधरेगा। हमारा अपना परिवार और अपना खुद का व्यक्तित्व, अपना व्यापार यदि उस तरह कर सकें तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। मैं एक वाक्य बताता हूं, मुझे किस दिन एक आभास हुआ, मैं जैन था पर फिर भी उस जमाने में आज से 50 साल पहले बहुत बड़ा काम भी करते थे। एक दिन मैं कहीं गया हुआ था, एक हमारे किसी मेहमान की, किसी परिवार के यहाँ पर एक नौकर ने 100 रुपया चोरी कर लिया और पकड़ा गया, उसको बहुत पिटाई हुई। मैं वो सारा सीन देख रहा था, मेरा उस दिन मन परिवर्तन हुआ, कन्हैयालाल 100 रुपए की चोरी कितनी पड़ती है, 100 रुपए की चोरी कितनी पड़ती है,
तुम तो साल के, ये तो गरीब आदमी भी है, तो इसको रियायत नहीं मिलेगी, तेरे को कोई रियायत नहीं मिलेगी, शायद 10-20 लाख रुपये टैक्स आया था 50 साल पहले की बात है। तो मैंने उस दिन ही आग्रह किया कि तू है तो चोर, बड़ा चोर है। उस दिन नियम लिया कि मैं सारा 2 नंबर काम बंद करूंगा, तो पूरा काम टैक्स देके करूंगा। मुझे सभी साथियों ने यह कहा आप फेल हो जाओगे, आपके नए आदमी हो गया उसको नहीं करते, आप नहीं करोगे। मैंने कहा रोटी खाने को मिल जाएगी, उससे ऊपर नहीं चाहिए, जो मिलेगा सब ठीक है। देखिए मैंने ये नियम लिया तो ना तो मैं पीछे रहा ना फेल हुआ, बल्कि अभी सभी लोगों से जो लोग मेरे साथ काम करते थे उनसे आगे बढ़ा। वही रास्ता भगवान महावीर का रास्ता है। हम सब लोग रोज भइयों पर लिखते हैं शुभ लाभ, पर मानते नहीं। लाभम शुभम हो जाता है, जो लाभ है वही शुभ है। सब लाभ शुभ नहीं है बंधुओं। मैंने उस दिन प्रतिज्ञा करी कि बिना शुभ का रुपया हमारे घर में नहीं आना चाहिए। यही भगवान महावीर का सिद्धांत है कि कोई बिना शुभ का रुपया आएगा तो पता नहीं क्या तंग करेगा। उस क्षणिक सुख के लिए हम कब किसी का रुपया ले लेते हैं, ऐड लेते हैं, पर भगवान महावीर के शिष्य हैं यदि तो जो लिया है वो देना कितना गुना पड़ेगा। उस दिन जिस दिन आपको बोध हो जाएगा उस दिन आपके लेने की इच्छा खत्म हो जाएगी, सारी संसारी आपके घर से नेगेटिविटी खत्म होकर के अपने काम पे लगोगे, सीधे रास्ते चलोगे, रास्ता सीधा ही ठीक होता है, टेढ़े से जाने में टाइम बहुत लगता है। भगवान महावीर को समझ करके आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं पूरा विश्व जो सुलग रहा है, अनेकांत समझ लें, यदि हम साथ रहने की इच्छा समझ लें, दो आदमी अलग अलग होने के बाद के अंदर, अलग अलग बात होने के बाद के अंदर, अलग अलग बोली होने के बाद के अंदर भी, अलग अलग रंग होने के बाद के अंदर भी, हम सब मानव है। पहले सब उसी भगवान के पुत्र हैं, हम सबकी आत्मा एक है, उसी आत्मा एक है। यदि हम अनेकांत को ये मान ले तो हमारा जिंदगी आज कितनी सफल हो जाए, कितना स्फूर्तिपूर्ण हो जाए। ये भगवान मार्ग से चलने से मोक्ष तो मिलेगा नहीं। मैं तो मानता हूँ कि उससे चले मैं तो बहुत सुखी हूँ, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व भी उस सुख की राशि में चल सकता है। रास्ता सीधा चाहिए, औरों की तकलीफ को भी अपनी तकलीफ मान ले तो कठिनाई होती ही नहीं। अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ मानते हैं, औरों की समस्याओं की अपनी समस्या मान लें यदि, तो दुनिया बहुत सरल हो जाए, हमारा जीना बहुत आसान हो जाए। ये हमारे ऊपर आरएसएस की मीटिंग हो, मेरे को बड़ी कठिनाई आती थी, इतने पास लोग मांग रहे थे, यदि इंदिरा गांधी स्टेडियम भी होता तो क्या कम पड़ता। अभी तो शुरुआत है, प्रोग्राम होने बहुत बाकी है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी प्रोग्राम होंगे, पर वो इंदिरा स्टेडियम से कम पड़े ऐसी व्यवस्था हमको करनी है। पर अभी जैन समाज का परिवार प्रोग्राम भगवान महावीर शताब्दी का तो होना बाकी है, उस दिन कहाँ करेंगे, ये आपके सबके सोचने का विषय होना चाहिए कि कोई ऐसा भवन है क्या ऐसा, तब जाके लगेगा कि आदमी कम से कम जितने अंदर बैठे हो उतने बाहर भी बैठे होने चाहिए, तब हम मानेंगे कि भगवान महावीर की जन्म शताब्दी के सबसे अनिवार्य है और कब से कोई हमारे सबसे बड़ा समर्पण होगा। मैं आयोजकों ने मुझ जैसे छोटे आदमी को बुलाने की इच्छा रखी, मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, और आज मोहन भागवत साहब ने बोलने की मैं हिम्मत कर सका, बड़ी मुश्किल होती है, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे ये टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ भाव करता हूँ। भारत माँ की आराधना में लगे कन्हैया लाल जैन जी ने जो अपनी इच्छा प्रकट की है इंदौर स्टेडियम में कार्यक्रम करने की, प्रभु उनको शक्ति दे, उनके संकल्प को प्रभु अवश्य पूरा करे। आप महावीर स्वामी के संदेश को ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहें, यही हमारी उस भगवान महावीर स्वामी से विनती है। वह कौन सा फूल है जिसमें महावीर स्वामी का सुवास ना हो, वह कौन सा दीप है जिसमें महावीर स्वामी का प्रकाश ना हो, जमी का जर्रा जर्रा गाता है जिनकी गौरव गाथा,
वह कौन सा पन्ना है जिसमें महावीर स्वामी का इतिहास ना हो। संत वृंद के आशीर्वचन की पावन बेला आ गई है। मैं आचार्य प्रज्ञ सागर जी से प्रार्थना करता हूँ अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। आचार्य प्रज्ञ सागर जी। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धरमं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। देवाधिदेव 1080 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। महाविनाश विश्व की समस्या है और उस समस्या का समाधान भगवान महावीर स्वामी है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि भगवान महावीर स्वामी का धर्म बड़ा और इतना वैज्ञानिक धर्म है, यदि सारे विश्व में फैल जाए तो सब जगह शांति ही शांति आ सकती है। इतना वैज्ञानिक धर्म है। वैज्ञानिक धर्म इसलिए है क्योंकि जल पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति का सूक्ष्म वर्णन किया है। इससे राष्ट्र की महिमा बढ़ी है, इससे राष्ट्र की सेवा बढ़ी है। इसलिए सूक्ष्म वैज्ञानिक तथ्य से जो धर्म को बताया गया है यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो बहुत ही विशेषताओं को लेकर के रखता है। यहाँ प्राणी मात्र को जीने का अधिकार दिया जाता है। उनका धर्म व्यापक है, व्यवहारिक है। सर्वोदय तीर्थ की यहाँ पर स्थापना होती है जहाँ सर्वभाषा का सम्मान होता है। सर्वभाषा सरस्वती, सर्वोदय तीर्थ, हर प्राणी को जीने का अधिकार दिया जाता है। मैं जैन धर्म की कुछ विशेषताएं बताता हूँ कि जैन धर्म में क्या विशेषता है, क्योंकि इसमें प्राचीनता है, इसमें व्यापकता है, इसमें व्यवहारिकता है, इसमें उदारता है, इसमें समृद्धता है, इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें सूक्ष्मता है। क्योंकि जैन धर्म की विशेषता इसलिए है कि जैन धर्म कर्तावादी नहीं अकर्तावादी है। जैन धर्म स्वार्थी नहीं है, राष्ट्रवादी है। जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, यह वस्तुवादी है। जैन धर्म जो है परतंत्रवादी नहीं है, स्वतंत्रवादी है। जैन धर्म एकांतवादी नहीं है, अनेकांतवादी है। जैन धर्म जो है ये पर्यावरणवादी है। जैन धर्म जो है
परीक्षा प्रधानी है। जैन धर्म जो है आदेश की भाषा नहीं, उपदेश की भाषा बोलने वाला है। और जैन धर्म जो है बहुत वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। जैन धर्म की कुछ बातें हैं, चार पांच, जो आचार्य गुरु विद्यानंद महाराज जी कहते थे, इनका प्रचार होना चाहिए। पहली बात, आत्मानुशासन, स्वयं पर स्वयं का शासन होना, ये आत्मानुशासन है। दूसरा, अनेकांतवाद, सबके साथ समन्वय की कला, सबके साथ समन्वय की कला अनेकांतवाद है, सबके साथ लेके चलना। अहिंसावाद, किसी का भी व्यर्थ में मन मत दुखाओ, उसकी आत्मा को दुख मत दो, ये अहिंसावाद। अपरिग्रहवाद, अति लोभ खतरे की घंटी है, इस बात को समझ लो अपरिग्रहवाद से। और स्यादवाद, पहले बोलो, पहले तोलो और बाद में बोलो, ये स्यादवाद की शैली है। जैन धर्म, भगवान महावीर स्वामी का जैन धर्म जो है वो सोशल वेलफेयर है। भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो साइंटिफिक है। भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है ऑथेंटिक है। भगवान महावीर स्वामी का धर्म जो है प्रैक्टिकेबिलिटी है। ये इतना सुंदर धर्म है, यदि इसका प्रचार प्रसार जगत में, विश्व में होता है तो निश्चित ही देश में, विश्व में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हो सकता है। महानुभाव, हम सब लोग ऐसे भगवान महावीर स्वामी का महोत्सव मना रहे हैं, जिनका जन्म जो है वैशाली कुंड ग्राम में हुआ। और ऐसा वैशाली जहां प्रत्येक जो भी नेता बनता था, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जहां पर स्मारक रखा, महावीर स्वामी का स्मारक रखा है, स्थापना की है, और वहां पर जाकर के श्रद्धा से सुमन अर्पण करते हैं, ऐसी वैशाली जिनकी कर्म भूमि बुद्ध की भी रही वो कर्म भूमि, ऐसे महावीर स्वामी के समकाल में हुए। और उनका जो निर्माण हुआ वो पावापुरी जो बिहार में है, वहां से उनका निर्माण हुआ। महावीर स्वामी का समस्मरण पूरे विश्व में विचरण करके अहिंसा का जय घोष किया, अहिंसा का जय घोष किया, जियो और जीने दो, क्या जो बात उन्होंने बताई, अहिंसा परमो धर्म बताया, और कहा कि पड़ोसी से भी प्रेम करो, लोगों से भी प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो। ये महावीर स्वामी का धर्म है, इतना विशाल धर्म है कि जो पशु को भी परमेश्वर बनने का अधिकार देता है। ये महावीर स्वामी का धर्म है, जहां आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये महावीर स्वामी का धर्म है, जहां हर भक्त भगवान बन सकता है, भगवान बन सकता है। आप इंसान बने और इंसान के बाद भगवान बने, ये आपका अधिकार है। महावीर स्वामी जो है स्वतंत्रता पर विश्वास रखते हैं। प्रत्येक द्रव, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। आप अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जैन दर्शन को फैलाने वाले, उसके प्रचारक, उसके प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। मैं चाहूँगा भगवान महावीर स्वामी जन जन तक पहुँचे, भगवान महावीर स्वामी लोगों के मन मन तक पहुँचे, उनके आस्थाओं पे पहुँचे, जिससे यह देश विकास को प्राप्त हो, यह देश समृद्ध बन सके, इस देश में सुख शांति खुशहाली आए। अभी 2550 निर्माण महा महोत्सव के उपलक्ष्य में ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। 2.5 करोड़ पेड़ पौधे पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं 2550 निर्माण महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर, जिसको दिया गया है हर घर घर वाटिका अहिंसा वाटिका, घर घर वाटिका अहिंसा वाटिका के रूप में अभियान चलाया जाएगा और चल रहा है, और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। अहिंसा पावापुरे अहिंसा रथ जो पूरे विश्व में, जब पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है, गांव गांव जाकर के 6 लाख गांव को कवर करेंगे, जिसमें अहिंसा, शाकाहार, सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षाएं दी जाएंगी। इसके लिए जो है रथ के प्रवर्तन चल रहा है। भगवान महावीर निर्माण महा महोत्सव समिति जो 2 वर्ष पूर्व बनी थी, इसी उद्देश्य से बनी थी, और यहीं पर इसका शंखनाद हुआ था। हमारे इंद्रेश कुमार जी ने मुख्य अतिथि उसमें थे, और उन्होंने इसका शंखनाद किया था यहाँ से, कि भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव पूरे विश्व स्तरीय पर मनाया जाएगा। हम गौरवान्वित हैं, आज सभा में हमारे डॉक्टर मोहन राव जी भागवत जी उपस्थित हुए, और उनके
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली की ओर से यह कार्यक्रम का जो बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है, यह एक अवसर प्राप्त हुआ है। ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इनका सौभाग्य है। क्या है? ये सौभाग्य है कि यहाँ बैठकर के भगवान महावीर स्वामी के गीत गा रहे हैं और उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार में जो है भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को पहुंचाया जाए, जिससे ये विश्व जो है, हमारा जो भारत जो है विश्व का गुरु बने। हमारा जो भारत है विश्व का गुरु बने। अभी आपने जो अयोध्या में इतना सुंदर कार्य किया, और राम कहो, बुद्ध कहो, महावीर कहो, इन सब की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन जो आपके माध्यम से हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। हमारे जो है डॉक्टर अनिल जैन जी, जो प्रांत के सर संचालक हैं, जो यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी जो है इसमें योगदान है, हमारे जतिन जी और सीताराम जी व्यास जी, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे चारों संप्रदाय के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे दिगंबर जैन समाज से गजराज जैन गंगवाल जी, और जो मूर्ति पूजक समाज से हमारे संवेक भाई जी आए हैं, संवेक भाई जी, और तेरापन समाज से मनसुख सेठिया जी, स्थानक समाज से आनामन छलनाड़ी जी, ये सभी आए हुए हैं, और जीटो से रमन जैन जी आए हुए हैं, कन्हैयालाल जी जो हमारे भगवान महावीर मेमोरियल के अध्यक्ष हैं, और वो जब भी मेरे पास आए बोले महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी। कम से कम 10-15 मीटिंग हुई कि 2550 निर्माण महामहोत्सव को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि हम सब लोग एक छत्र छाया में बैठ करके महावीर स्वामी का गुणगान गाएंगे। और अभी उन्होंने कहा हम इंदिरा गांधी स्टेडियम से बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लाखों लोग इकट्ठे होंगे। इसी बीच हमारे बीच में दिल्ली के अध्यक्ष हमारे चक्रेश जैन जी हैं, उनको भी बहुत आशीर्वाद। हमारे आइनक्स के पांड्या जी, देवीलाल पांड्या जी भी आए हुए हैं, सुधांशु जी महावीर से आए हुए हैं, और हमारे सर्वराज काश्तीवाल जी दिख रहे हैं तो खड़े हो जाएंगे। ये पूरे भारत में 70 साधुओं के पास निवेदन करने गए थे, दिगंबर सितंबर सभी साधुओं के पास, कि इस महोत्सव को हमें राष्ट्रीय स्तर पर मनाना है। बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इस महोत्सव के हमारे सत्यभूषण जैन जो है जो मुख्य संयोजक हैं वो भी उपस्थित हैं, कार्यकारी अध्यक्ष प्रबोध जी हैं, सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं सिर्फ एक मिनट लेना चाहूँगा मोहन जी, मैंने एक राष्ट्र के लिए गीत बनाया है, भारत के लिए गीत बनाया हुआ है, एक मिनट लगेगा, और वो गीत आपके लिए समर्पित है और पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है, और मैं चाहूँगा ये गीत पूरे भारत के बच्चों बच्चों तक पहुँचना चाहिए। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, बोले मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, बोले मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। यही समय है सही समय है, यही समय है सही समय है, त्यागो तुम परदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेव। मेरी माता मेरी माटी मेरी माता, सच्चा है स्वदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महा, बोले मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेव। और आदिनाथ ने क्या बोला, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेव। और महावीर स्वामी ने क्या बोला, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, महावीर संदेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और विकसित भारत शिक्षित भारत, विकसित भारत शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेव। और नई बात, भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेव।
सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, हम सबका उद्देश्य, मेरा देव मेरा देश, मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देव, मेरा भारत। हमारे बीच में जो तीर्थंकर यूनिवर्सिटी से सुरेश जी हैं, उनको भी बहुत मंगल आशीर्वाद है। जस साहब जी और हमारे स्वामी जी मोहनराज जी स्वस्थ रहे, उज्ज्वल उनका भविष्य बने, और भारत में प्रत्येक प्राणी का जो अधिकार है, जीवन है, उनका अच्छा कर सके, सबका सहयोग कर सके, और इस भारत को जो है राष्ट्र, जो भारत है, जो हिंदू राष्ट्र भारत है, जो हमारा भारत देश भारत का भारत है, उसको आप जो है संस्कारित करें और लोगों को जोड़ें, ऐसी मंगल कामना से सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत आभार है आचार्य जी का, आपने ठीक कहा, दो ही ऑप्शंस हैं, या तो महाविनाश पे जाइए या महावीर जी के लिए जाइए। महावीर स्वामी का धर्म जो है ये वैज्ञानिक धर्म है, भारत भू से कोई भी जो धर्म निकला है वो वैज्ञानिक धर्म है, इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का संकल्प है भारत फिर से विश्व गुरु बने, महाराज जी का आशीर्वाद सबका हमारे सुख के समक्ष रहे। आज हमारा सौभाग्य है बहुमूल्य उपदेशों, नाम भूल गए, डॉक्टर दीपक जैन जी जो महामंत्री हैं महोत्सव के, उनको भी बहुत आशीर्वाद, बहुमूल्य उपदेशों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से विनती करता हूँ, अपने ओजस्वी उपदेशों से हम सभी को कृतार्थ करें। मुझे बताया गया कि आचार्य सुनील सागर जी महाराज 100 किलोमीटर आगे बिहार कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवेदन पर अपना कार्यक्रम छोड़ के पधारे हैं। आचार्य जी का बार बार प्रणाम। आचार्य सुनील सागर जी महाराज, सद्वंद्याणं त्रिभुवनहित मधुरविशद भक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, प्यास अधिक होती है, जब प्यास अधिक होती है तो नीर की याद आती है। मझधार में हो नैया तो तीर की याद आती है। हिंसा और असहिष्णुता की इस वातावरण में तीर्थंकर महावीर की याद आती है। सत्य अहिंसा सदाचार और शाकाहार की जो संदेश हमारे देश में तीर्थंकरों से रामकृष्ण बुद्ध और महावीर से आए, उन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करने वाली संस्था आरएसएस ने इसका आयोजन किया। आपल्या सौभाग्य आहे देशचा संरक्षक मोहन भागवत आपल्या मध्ये आहे। महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो, जगाणी दविद्या, लिव एंड लेट लिव। और रामचरित में तुलसी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म का एक पद्यानुवाद है। श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति दोनों एक साथ सनातन काल से प्रवाहित है। सौभाग्यशालियों, संस्कृत प्राकृत जैसी प्राचीन भाषाएं, देसी भाषाएं और ब्राह्मी जैसी लिपि
वर्तमान के देवनागरी। पुरातत्व तो तीर्थ और विरासतें हमारी धरोहर है। विश्व एक परिवार है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है हम में और पाश्चात्य में अंतर क्या है। पाश्चात्य संस्कृति कहती है विश्व एक बाजार है, यहां सब कुछ बिकता है और केवल इंसान को खरीदने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है, यहां सबको मिलजुल कर शांति से रहने का अधिकार। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम लोग इसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। सबका साथ सबका विकास, सोनो साथ सोनो विकास। महावीर का एक सूत्र याद होगा, परस्परोपग्रह जीवानाम। इसका अनुवाद आज पूरे देश में और दुनिया में गूंज रहा है। निश्चित रूप से हम पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलने वाले लोग हैं। हमें चंद्रमा पर मंगल पर जाने में सफलता मिलती है तो हम केवल स्वयं श्रेय नहीं लेते हैं, हम लोग हम भारतवासी कहते हैं कि इससे विश्व को और लाभ होगा, इससे दुनिया के लिए और नए रास्ते खुलेंगे। हमारी जो उदार सोच है, हमारी जो संस्कृति है, हम स्वदेश और स्वदेशी को प्यार करते हैं, लेकिन जो हमें प्यार करते हैं वे कितने भी दूर हों हम उनसे भी प्यार करते हैं। विरासत के साथ विकास। खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में प्राचीन प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का लेख है जिसमें भरद्वाज शब्द का प्रयोग हुआ। महाराज इसे आग्रह करेंगे कि पुरातत्व प्राचीन तीर्थ और संस्कृति संरक्षण की दिशा में थोड़े प्रयास और जरूरी हैं, क्योंकि हम उस दिशा में बढ़ ही रहे हैं। इस देश का गौरव, भारत का गौरव हम सबकी सच्चरित्रता से बढ़ेगा। प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है कि महावीर के अहिंसा सत्य अनेकांत वाले रास्ते चले। आग्रही दृष्टिकोण आतंकवादी दृष्टिकोण है और स्यादवादी दृष्टिकोण अनेकांतवादी दृष्टिकोण है। हम आग्रही ना बने, सहिष्णु बने। सहिष्णुता से विकास होगा और खोटा आग्रह पालने से परिवार का, समाज का, देश का नुकसान होगा। सर्वोदय तीर्थ है महावीर का तीर्थ। इस महामंगलकारी सर्वोदयम तीर्थ मिदम तवैव की उन्नति और वृद्धि के लिए हम प्रार्थना करें। मोहन जी के नाम में ही मोहन जोदड़ो जुड़ा हुआ है। पूरी संस्कृति जिसमें सभ्यताएं समाहित हैं और भागवत में सारे शास्त्र जुड़े हुए हैं। हमें मालूम होगा श्रीमद् भागवत में ही ऋषभ देव को अवतार माना है और उनका इतिहास समाया है और उसमें ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत कहा है। तो वो खुद अपने आप में एक इतिहास है, एक विज्ञान है, एक भूगोल है, एक देश है और एक देश के संरक्षक है। ऋषभ देव पुत्र भरत के नाम से भारत, और भारत का मतलब हमेशा शोभा, और इस शोभा को बढ़ाने वाले श्री राम के भाई भरत जिनने राज्य पाकर के भी राज नहीं पाया, और इसकी शोभा को और द्विगुणित करने वाले दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। गुलामी की शब्दों की श्रृंखला से एक शब्द और बीत गया, इंडिया हार गया भारत जीत गया। इंडिया हार गया,
भारत जीत गया, इसलिए अब हम राइजिंग इंडिया नहीं कहते हैं, हम कहते हैं भारत हमेशा सुभारत, जिसकी शोभा हमेशा द्विगुणित हो रही है और विश्व पटल पर जो चमक रहा है वह भारत है। संघ ने पूरे देश को जोड़ा है, संघ ने पूरे देश को जोड़ा है और मुनि संघ ने इंसान को परमात्मा से जोड़ा। सौभाग्यशालियों, महावीर भगवान के उपदेशों को, श्री राम की मर्यादाओं को पालन करके हम पुनः विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को हासिल कर सकते हैं। श्रीमान सबको पता है, निकल गए थे हम तो पीछे कमंडल लेके, कभी कभी मोदी नाराज हो जाते हैं तो बोलते ना मैं अपना कमंडल लेके निकल जाऊंगा। मैं दिल्ली से कमंडल पीछे लेके निकल गया था, लेकिन अनिल जी उनकी टीम जबरदस्त आग्रह रहा, महाराज जी पधारिए, प्रकाश जी का संदेश आया पधारिए, तो यहां आने का योग बना है। कहेंगे कि मोहन जी और संघ ने बहुत कमाल कर दिखाया है, महावीर के चारों बेटों को एक साथ बिठाया है। महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण उत्सव चल रहा है, पार्श्वनाथ भगवान का 2900वां जन्म कल्याणक महोत्सव चल रहा है, चारों अलग अलग फिर रहे थे। हम तो कहेंगे सबको एक साथ बिठाने का श्रेय भगवत जी ने लिया है, अब यह कल्याणक महोत्सव ऊंचाइयां हासिल करेगा। समझ लीजिए महाराज जी, आज उद्घोष हो रहा है महावीर भगवान की, यह महामंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव का, और आने वाली दिवाली पर महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव पूरे देश में दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे देश में कोई कमियां नहीं है, युवा धन का पलायन बुरी बात है, विदेशी के प्रति इतना आकर्षण बुरी बात है, पाश्चात्य का अनुकरण बुरी बात है। हमने दुनिया को दिया है, हमें दुनिया से लेने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्यशालियों, हम उस लोगों में से हैं कि जो हाथ फैलाने में आज भी शर्म महसूस करते हैं। दुनिया में भिखारी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक भी नहीं मिलेगा जो जैन होगा। लोग कहते हैं जैन अमीर हैं, एक बात ध्यान रखिए, सारे के सारे जैन अमीर नहीं है। भागवत जी को ध्यान होगा कि देश में लगभग 2 करोड़ जैन है, उसमें बीस आप अमीर मान लीजिए, 50% मध्यम वर्गीय मानिए, 20% गरीब और 10% गरीबी रेखा के नीचे। तमिलनाडु और बंगाल में आज भी, महाराष्ट्र में आज भी जैन लोग खेती करते हैं। हमारे दादा बाबा गुरु वो भी किसान थे, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर जी, विद्यानंद जी वगैरह। तो आज हमें चाहिए वर्धमान परिवार, सराग संस्था, महासभा, महासमिति कुछ काम कर रहे हैं, तो हम अपने पिछड़े हुए जैन भाइयों को, आम लोगों को सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का उपक्रम करें, यही मंगल भावना। विश्व मंगल की कामना के साथ पुरातन तीर्थ संस्कृति संरक्षण की भावना के साथ विराम करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बहुत आभार। तो भारत की जीत बनी रहे ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है। मैं प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी से प्रार्थना करता हूँ हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। जय लोग एक बात का ध्यान रखें, इंडियन हेरिटेज नाम से सरकार की एक वेबसाइट है जिस पर बहुत सारे तीर्थों को लिया गया है, जैन लोग भी उस पर डाउनलोड करें अपने तीर्थ, अपने पुरातन को, ताकि
उसका प्रचार प्रसार हो और आप खुद भले सर अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ ना लें, लेकिन जो आपसे निचले वर्ग के लोग हैं, श्रावक हैं, उन्हें उन योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करें। जी आचार्य जी, मत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग, समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। परम आदरणीय विराजमान आचार्य भगवंतों को सादर वंदना, विराजमान साधु वृंद, साध्वी वृंद, अतिथिगण, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, करुणा मूर्ति माता बहनों, 5-7 मिनटों में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में आज की यह सुमंगल सभा क्या चल रही है। महावीर का जीवन और जीवन का पक्ष, व्यक्ति के जीवन को जानने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक व्यक्तित्व और एक कृतित्व। एक जीवन पक्ष होता है और एक दर्शन पक्ष होता है। भगवान महावीर का जीवन पक्ष भी बड़ा उत्तम मंगलिक रहा और दर्शन पक्ष भी उनका बड़ा महान रहा। भगवान महावीर ने स्वयं ने भी अपनी आत्मा का उद्धार कल्याण किया, वे तीर्थंकर पद पर विराजमान हुए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी तीर्थ की उन्होंने संस्थापना की है। तिन्नाणम तारियाणम के रूप में स्वयं भी तिर गए और हमें भी तारने का ज्ञान मार्ग बतला के गए। पंच कल्याणक हमारे समाज में विशेष तौर पर चलता रहा है। जवन कल्याणक रहा भगवान महावीर का सर्वप्रथम, जन्म कल्याणक रहा दूसरा, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक और अंतिम कल्याणक कौन सा है? मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, जिसके उपलक्ष्य में आप और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्तु सहावो धम्मो, भगवान महावीर ने आत्मा के मूल स्वभाव को धर्म का क्या है स्वरूप बताया। अहिंसा सत्य अक्षय हमारा मूल स्वभाव है, क्रोध लोभ लालच हमारा स्वभाव नहीं हमारा प्रभाव है। भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया। आज के युग में भगवान महावीर की अगर शिक्षाओं को हम लोग आत्मसात कर सके तो हमारी कई समस्याओं का क्या है समाधान हो सकता है। लड़ लड़ के कितने लड़ते रहेंगे जीवन भर, चाहे इजराइल का हो, चाहे हमाम हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, आखिर अंत क्या है? अहिंसा के अंदर, समझौते के अंदर है, कंप्रोमाइजन के अंदर है। महावीर ने वो अहिंसा दी है जिससे हमारे जीवन में सुख शांति का क्या समाधान हो प्राप्त होता है। महावीर ने अनेकांतवाद दिया हमें, सभी के साथ मिलजुल करके रहने का क्या संदेश दिया। महावीर ने परिग्रहवाद दिया है हमें, अगर दिया है तो कुछ क्या है देने की आदत रखो जीवन भर। कई लोग कहते हैं हम बहुत संख्या में कम है, कुछ राजनीतिक लोग भी इन चीजों को उठा उठा के कह रहे हैं कि समाज में जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी क्या रहे हिस्सेदारी भागीदारी रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आपकी संख्या कम नहीं है, 30% से ज़्यादा आप आर्थिक समाधान घरों में चलाने में दे रहे हो सर, और 40% से ज़्यादा दया दान और पुण्य के काम कर रहे हो आप लोग। क्या आप अल्प नहीं हो? आप क्या है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा हो, बहुत बड़ा भाग हो। बस संगठन की आवश्यकता है और संगठन सीखना हो तुम्हारे में RSS की संस्था से सीखो, छोटे छोटे गांवों से लेके शहरों तक है। पता नहीं भागवत शाह के अंदर कौन सी कला है, सारा देश राममय बना दिया। क्या बना दिया है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है।
रागे के जो आपस में फिर क्यों लड़ते हैं, समझ में कुछ नहीं आया है। एक नो जाए जैन हो जाए, वैष्णव हो जाए, सिख हो जाए और समाज बौद्ध हो, हम सब एक ऐसी भावना रखो। कितनी मन को सुख और शांति का क्या आभास होता है। एक बड़ा वृक्ष होता है, उसकी टहनियाँ होती है, फल फूल रखते हैं, आने से उस वृक्ष का सभी क्या लाभ लेते हैं। हिंदू समाज हमारा बहुत बड़ा वट वृक्ष है, हम उसकी शाखाएं जैन बौद्ध सिख वैष्णव समाज है। उस वृक्ष को संभालो, वृक्ष को संभालने के लिए ही आपकी यह संस्था रात दिन क्या है काम करती जा रही है। शरीर का अंग है हाथ पांव, ये सारे अंग हैं, लेकिन शरीर के बिना उसका संचालन नहीं हो सकता है। आर्य शेष वाली यह संस्था आपकी वो शरीर के अंग की तरह और ये सारे दूसरे अंग उसके साथ क्या है जुड़े हुए हैं। आपसे हमारी शोभा और हमारे से आपकी शोभा है। बहुत खुशी है आज आपने इस निर्वाण शताब्दी निर्वाण उपलक्ष्य में, कल्याणक के उपलक्ष्य में आपने अपनी सारी शाखाओं को यह शुभ संदेश दिया कि भगवान महावीर को भी क्या है इस साल क्या है बढ़ चढ़ करके क्या स्मरण किया जाए। तो भगवान महावीर ने हमें संगठन का संदेश दिया है, संघे शक्ति कलौ युगे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम हमेशा संगठित रहे। तांडक मंदिर 13 दिगंबर 1 मई के लाल है, कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान रहेगा तो हम भी रहेंगे, आप भी रहोगे, और हिंदुस्तान नहीं रहा तो ना आपकी पहचान रहेगी ना हमारी पहचान रहेगी। तो महावीर ने संगठन का संदेश दिया है, महावीर ने आत्म कल्याण का संदेश दिया। एक आया 84 लाख जीव योनियों के लिए भगवान महावीर ने शुभ संदेश दिया। महावीर ने शाकाहार का संदेश दिया, रात्रि भोजन के संबंध में अपने विचार प्रकट किए, जीव और जीने देव का शुभ संदेश दिया। जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है इंसान, ऐसी अनेक शिक्षाएं भगवान महावीर के स्वपर कल्याण के लिए आज भी हमारे जीवन को क्या मार्गदर्शन प्रदान करती है। बस महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करता हुआ मैं आपके संस्था को भी RSS को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने और नाम ही आपका मोह जिसके अंदर मोह ही खत्म हो गया हो, संसार का मोह का भवत्व भाव आपका समाप्त हो गया। लाखों कार्यकर्ता हम लोगों ने क्या तैयार किया है आपके लिए भी मेरे मन में बहुत शुभकामना शुभ भावना है। समाज आपका है, आप समाज के हो, बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मनोजयी गर्भन न सको तो महावीर की चर्चा क्या। महावीर का मां कहता है अपने आप को जीतो, मन को जीतो, हाथों से गर्दान नहीं तो महावीर की चर्चा क्या। दूसरा अक्षर हा जो कहता हाथों से निरंतर क्या है सेवा के अंदर क्या है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम भव्य गम्य, हमेशा सेवा के शुभ काम दान पुण्य के काम करते जाओ, तभी महावीर को मानना सफल और सार्थक होगा। भगवान महावीर का यह समय बहुत ही आनंद मंगल का समय, हमें जीवन में प्रेरणा देने वाला समय है। हम मन को जीतना, हा हाथों से दान देना और वीर यानी वीरता पूर्वक जीवन जीना, कायरता जीवन में नहीं आने देना। मनोजयी गर्भन न सको तो महावीर की चर्चा क्या, हाथों से गर्दान नहीं तो महावीर की चर्चा क्या। वीरोचित कर काम नहीं तो व्यर्थ हुआ ना खर्चा, और रचनात्मक कर काम नहीं तो व्यर्थ हुआ ना जीवन क्या। रचनात्मक कार्य हमारे समाज में होते रहे, पूज्याचार्य भगवंत ने यह आयोजन किया, इसलिए आपको भी मैं बहुत बहुत मंगल कामना शुभकामना देता हूँ। आपका समाज हमारा समाज हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमारे जीवन के अंदर महावीर को हम अच्छी तरह से जाने पहचाने। छोटी सी पुस्तिका सब महावितरण की गई होगी, उसमें भी मैंने भगवान महावीर के चरणों में वंदना करने का प्रयास किया, हो सके तो उसे ही पढ़िएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ है सभा यह चाहती है कि अब कुछ आप फरमाओ, हवा यह गूंजती है कि अब कुछ आप फरमाओ। आपका सुना आपका सुनना हमारा भी मंगल को है, बहुत भावना है आपके प्रति कुछ शब्द हम भी आपका श्रवण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ है ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुरुदेव जी का बहुत बहुत आभार है। ये कल्याणक महोत्सव मोक्ष कल्याण का महोत्सव है, ये कल्याणक महोत्सव निर्वाण कल्याण का महोत्सव है,
कल्याण महोत्सव को रखते समय हमें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा संदेश जो है महाराज जी के माध्यम से हम सब के मध्य पहुंचेगा। महाराज जी का बहुत बहुत आभार है। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए साध्वी अनिमा श्री जी से प्रार्थना करता हूं, अपने आशीर्वचनों वचनों से हमें अनुग्रहित करें। साथ श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना सम्मानित मंच। मैं परिषद से आगाह करना चाहूंगी, पूरे ध्यान से सुनने का प्रयास किया जाए। सम्मानित मंच, आदरणीय आचार्य भगवंत, साधु साध्वी वृंद और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मोहन राव जी भागवत और सभी श्रावक श्राविका परिवार, मैं सभी वक्ताओं के विचारों की सहमति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूं। भगवान महावीर को हमने सुना, भगवान महावीर को हमने समझा। आज का यह उत्सव भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव हम मना रहे हैं। हमें विचार करना है कि भगवान महावीर से हमने सीखा क्या है, भगवान महावीर के उपदेशों से हमने अपने जीवन को, हमने अपने आत्मा को कितनी पवित्रता, कितनी निर्मलता और कितनी शुद्धता दी है। भगवान महावीर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो अहिंसा और करुणा के अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। इतिहास में ढूंढने से श्रावक और श्राविकाओं ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। एक भगवान महावीर का उदाहरण है जिन्होंने माँ के कोख में, माँ के गर्भ में यह संकल्प किया था कि माता पिता के रहते हुए मैं संन्यास नहीं लूंगा। वो जानते थे कि माँ और पिता की सेवा कितनी जरूरी होती है। मैं इस प्यारी सी परिस्थिति से पूछना चाहती हूँ, आज हमारे घर और परिवार में करुणा का स्रोत क्यों सूख रहा है? आज माँ के आंख में आंसू है। एक वो वक्त था जब माँ हाथ में प्लेट लिए घूमा करती थी, मेरा छोरा खाता नहीं है, और आज माँ रो रही है, मेरा बेटा खिलाता नहीं है। ये स्थितियां इस बात की सूचना दे रही है कि हमारे भीतर करुणा का स्रोत सूख रहा है। हम महावीर की माला फेरते हैं, हम महावीर का जाप करते हैं, हम महावीर के आदर्शों की चर्चा करते हैं, लेकिन याद रखिए ये वृद्धाश्रम जो बनाए जा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को वहां भेजा जा रहा है, विचार कीजिए क्या हमारी ये संस्कृति है, क्या हमारी ये संस्कार है। एक तरफ तो कहा जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, और दूसरी बार हम अपने परिवार के बाहर के लोगों से इतना घुल मिलते हैं, इतना वक्त लगाते हैं, खुशी खुशी उनसे बात करते हैं, मगर जब घर में आते हैं माँ इंतजार कर रही होती है कि लड़का ऑफिस से आया है, दुकान से आया है, घर में आया है, थोड़ी सी देर मुझके पास बैठेगा, मुझसे बात करेगा, मगर बेटा आया, स्नान किया, टीवी के सामने बैठा, भोजन किया और बेडरूम में चला गया। माँ ने सोचा कि बेटा थका हुआ है इसलिए नहीं आया है, कल ऑफिस जाते आ जाएगा। इंतजार करती रही, बेटा नहीं आया, क्यों? उसके पास वक्त नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूं कि आज समाज किस दिशा में प्रस्थान कर रहा है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन किस बात की सूचना दे रहा है। हम संस्कृति और संस्कार की बात कर रहे हैं। जरूरत है एक एक व्यक्ति के जीवन में जैनत्व के संस्कार उतरने चाहिए। शाकाहार की बात तो हम कर रहे हैं, मगर हमें देखना है कि परिवारों में किस तरह के संस्कारों का पल्लवन हो रहा है, किस तरह के संस्कार घर में आ चुके हैं, कौन संभालेगा? क्या हम मंच पर बैठे हुए साधु संतों का ही दायित्व है? नहीं,
सावक और साधु का एक जोड़ा होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक एक व्यक्ति पुरोधा बने। भगवान महावीर की साधना को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। आज समता भी खंडित हो रही है, असमानता बढ़ रही है, जबकि महावीर ने समता का सिद्धांत दिया और उन्होंने ये कहा कि तूफान सर पे आते हैं तो आने दो न कुछ परवाह, तूफान सर पे आते हैं तो आने दो न कुछ परवाह, जो कांटों से नहीं डरते वही फूलों को पाते हैं, जो कांटों से नहीं डरते वही फूलों को पाते हैं, गुलों में है महक उनकी, गुलों में है महक उनकी, फलों में जाएगा उनका, गुलों में है महक उनकी, फलों में जाएगा उनका, जो मिटकर मिला दुख में मिट्टी में निशा अपनी मिटाते हैं, जो मिलकर दुख में मिट्टी में निशा अपनी मिटाते। सोचना है, विचार करना है, हम क्या कर रहे हैं। छोटी सी परिस्थिति हमारे सामने आकर खड़ी होती है और हम झुक जाते हैं, संस्कारों के साथ समझौता करने की सोच लेते हैं। ध्यान देना है, विचार करना है, महावीर के उपदेश, महावीर के सिद्धांत तब भी प्रासंगिक थे, आज भी है, क्यों? वे सार्वकालिक है। उन्होंने जो रास्ते बताए हैं, आज जरूरत है हम उन रास्तों पर चले। इरादे तो है मंजिल के, इरादे तो है मंजिल के, पर चलना नहीं आता, कहते तो बहुत है पर करना नहीं आता। आज की ये समस्या है और इसका समाधान भगवान के दर्शन में है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भगवान महावीर को अगर आज हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो वह यह होगी, भगवान ने यह कहा था, महावीर ने यह कहा था कि जो तुम चाहते हो वैसा दूसरों के साथ चाहो और जो तुम नहीं चाहते हो वो किसी के साथ मत करो। अगर ऐसा हुआ तो यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार मैं आरएसएस परिवार में जिन्होंने अनिल जी अग्रवाल हमारे निकट आए, सुखराज जी लेकर आए और पूरा जो ये सिस्टम आज बना है और जिस विधि से इस कार्यक्रम को संपादित किया है, मुझे लगता है जैन समाज के लिए ये गौरव का विषय है और आगे के लिए करणीय विषय है कि जैन समाज को भी कुछ करना है। महावीर का 2550वां वर्ष चला जा रहा है, समय पंख लगाकर उड़ रहा है, यहाँ खून पसीना करके बाहिया तान के चद्दर सोता रहे, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता रहे या रोता रहे। तो हम चाहते हैं कि प्रेरणा ली जाए। एक बार फिर भागवत जी के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना कर रही हूँ। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी ने भी अपना संदेश भेजा है कि आध्यात्मिक उन्नयन सबका होता रहे। ओम हरि। पवित्रता, निर्मलता व शुद्धता का ये महोत्सव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, कि हम सब पुरोधा हैं, हम उसका पालन करेंगे, ऐसा आशीर्वाद साध्वी श्री ने हम सबको दिया है। साध्वी श्री जी का बहुत बहुत आभार है। इसी श्रृंखला में संत जन के इन उपदेशों को प्राप्त करने के लिए मैं पूज्य साध्वी प्रीति रत्नाश्री जी से प्रार्थना करता हूँ, हम सबको अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। साध्वी प्रीति रत्नाश्री जी। वीरह सर्वसुरासुरेन्द्र महिता, वीरेण विहत
महावीर भद्रम दिशा परमात्मा महावीर का गुणगान करना है कि जिसका गुणगान करने के लिए ज्ञानी लिखते हैं कि एक मुख की जगह करोड़ मुख बन जाए, मुख में एक जीभ है और एक जीभ की जगह एक करोड़ जीभ हो जाए और करोड़ों वर्षों का आयुष्य हो जाए, तब भी परमात्मा का गुणगान करना चाहे तो वो गुणगान पूरा नहीं हो सकता। और मुझे मिली ही केवल 7 मिनट है, 7 मिनट में मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं वो ही असमंजस्य है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलम्मा, कुछ है नहीं पर परमात्मा की जो भक्ति है वो भक्ति ही विवश कर देती है बोलने के लिए। परमात्मा महावीर को हम मानते हैं कि परमात्मा महावीर का हम मानते हैं। परमात्मा महावीर को मानना तो बहुत इजी है, लेकिन परमात्मा महावीर का मानना उतना ही कठिन है। परमात्मा की साधना हमें कैसे परमात्मा मिले है, वो परमात्मा की साधना कैसी थी? सबसे पहले परमात्मा ने त्याग की साधना करी। 28 साल की उम्र थी, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मंत्रिमंडल ने सोचा कि बड़े भाई तो नंदीवर्धन है, किंतु पुण्य और गुण में बड़े वर्धमान है, तो हम ये राज्य का जो सिंहासन वो वर्धमान को ही सौंप दे। और वर्धमान के पास जाके बोलते हैं कि आप ये राज्य सिंहासन का स्वीकार करो। क्या करा वर्धमान ने? स्वीकार कर लिया है। कितना औचित्य का गुण था। उन्हें कहा कि भैया मेरे बड़े भाई अभी विद्यमान है और बड़े भाई के होते हुए ये जो राज्य सिंहासन का अधिकारी है वो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा बड़ा भाई है। जरा टेली करते जाना अपने जीवन के साथ कि हमारा जीवन कैसा है और परमात्मा का साधना जीवन कैसे था। दूसरे नंबर में परमात्मा ने राज्य, पहले नंबर में राज्य सिंहासन का त्याग कर दिया। दूसरे नंबर में दीक्षा लेने से पहले 1 वर्ष तक दान देकर परमात्मा ने धन का भी त्याग कर दिया। एक राज्य सिंहासन का त्याग किया, दूसरा धन का त्याग किया, और दीक्षा लेने के बाद किसका त्याग किया? दीक्षा लेने के बाद जो देव दुष्य मिला था, वो देव दुष्य परमात्मा के कंधे पे था। भागा भागा कोई ब्राह्मण आया और कहा कि वर्धमान 1 मिनट रुकिए, और उसने अपनी दास्तान सुनाई। परमात्मा करुणा के सागर थे और जो देव दुष्य था, जो वस्त्र था, वो वस्त्र का भी दान कर दिया। कितनी महत्व के त्याग की साधना की। और दूसरे नंबर में परमात्मा की साधना की, तप की, दीक्षा से लेकर जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, 12.5 साल तक परमात्मा ने कैसी साधना की। 12.5 साल में परमात्मा ने 349 बार ही खाना खाया है, सिर्फ 349 बार। बाकी के दिनों में परमात्मा ने क्या करा? उपवास ही करा है। पारणा में एकाशना से कम पारणा नहीं करा है, और कम से कम 2 उपवास तो वो करते ही थे, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का उपवास किया, और वो भी निर्जल चौहार उपवास किया। कैसी कठोरतम साधना करी। और तीसरी साधना परमात्मा ने क्षमा की करी। क्षमा की साधना तो परमात्मा की अविरत चलती रही, 24/7 अविरत क्षमा की साधना करी। चाहे दिन हो चाहे रात हो,
चाहे परमात्मा का एकाशन हो, चाहे उपवास हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो जंगल में हो, लेकिन परमात्मा ने क्षमा का ही साधना करी है। चंड कौशिक आया था परमात्मा को डंक लगाने के लिए, क्या परमात्मा में शक्ति नहीं थी? शक्ति तो ऐसी थी कि परमात्मा एक फूक लगा दे वो चंड कौशिक योजना दूर उड़ जाता, लेकिन परमात्मा ने शक्ति होने के बावजूद भी क्या करा? सहन करा। वो गोवाला आया और वो गोवाला ने रस्सी लगाई परमात्मा को, अगर परमात्मा वो गोवाला की रस्सी को पकड़ लेते ना, तो रस्सी के साथ साथ गोवाला भी आ जाता और वो परमात्मा ऐसे घुमा दे तो वो गोवाला भी एक योजन दूर उड़ जाता, इतनी शक्ति परमात्मा में थी। वो संगम देव ने काल चक्र फेंका, वो परमात्मा में क्या शक्ति नहीं थी? शक्ति तो बहुत थी, लेकिन परमात्मा का भी अभी दो मिनट बाकी में देखती हूँ बड़ी, और वैसे भी मैं भी मानती हूँ अनुशासन है वहां धर्म है, जहां अनुशासन नहीं है वहां धर्म है ही नहीं। तो चंद को आपने मेरी दो चार सेकंड बिगाड़ी थी, दो चार सेकंड शायद ज्यादा हो सकती है। तो चंद कौशिक को भी परमात्मा ने स्वीकार किया, वो संगम का भी स्वीकार किया, वो गौशाला का भी स्वीकार किया। परमात्मा ने कभी सामना किया ही नहीं है, परमात्मा का मोटो था सहन करना, सामना नहीं करना, और हमारा मोटो है सामना करना, सहन नहीं करना। और ये सहन करके परमात्मा ने प्राप्त क्या किया? परमात्मा ने तीन वैभव को प्राप्त किया, एक अहिंसा का वैभव, दूसरा अनेकांत का वैभव और दूसरा अपरिग्रह का वैभव, और वो वैभव हमको दिया है अहिंसा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हम कौन है? हिंदू है। बेशक हमारा धर्म जैन है, लेकिन हमारा राष्ट्र और हमारी जो संस्कृति है वो हिंदू ही रहेगी। और हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा हमारे शास्त्र में इतनी बढ़िया बना बताई है, शायद ऐसी परिभाषा किसी ने भी नहीं बनाई होगी। ज्ञानी भगवंत ने हिंसा की व्याख्या लिखते हुए कहा है, हिंसा या दुयते मन यस्य स हिंदू। हिंदू किसको कहते हैं? हिंसा या दुयते मन यस्य स हिंदू। हिंसा से जिसका मन खिन्न होता है, हिंसा से जिसका मन दुखी होता है, वो हिंदू होता है। और मुझे कहते हुए गर्व और गौरव रहता है कि ये हिंसा की जो संस्कृति है, वो हिंसा की संस्कृति हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा से शुरू हुई है और वर्तमान ने हमको दी है। समय हो गया है, कहने का तो बहुत है, लेकिन ये 2550वां निर्वाण कल्याणक और अभी अभी अयोध्या में बना हुआ राम भगवान का जो मंदिर की प्रतिष्ठा, वो तभी सफल होगी, तभी सार्थक होगी कि अयोध्या के जहां कोई युद्ध ना होता है वो अयोध्या होती है, और दूसरा नाम है अवध कि जहां किसी भी प्राणी का वध ना होता है वो होता है अवध। तो मोहन भाई को सिर्फ मेरी इतनी ही गुजारिश है कि ये परमात्मा मां भगवान राम की प्रतिष्ठा और 2550वां जन्म कल्याणक अगर हमको सफल करना है, सार्थक करना है, तो कहीं पर भी युद्ध ना होना चाहिए और कहीं पर भी किसी भी प्राणी का वध ना होना चाहिए, तो हमारा ये महोत्सव सफल होगा, महोत्सव सार्थक होगा। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं आपसे कृतज्ञ हूँ। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो मिशन। बहुत सुंदर जी, मैं साध्वी जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस महोत्सव में
समय का मर्यादा का पालन करने में बड़ी कठिनाई हो रही है और मुझे भी हो रही है, मतलब ऐसा नहीं उन्हीं को हो रही है, मैं भी कठिनाई को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने एक बात कही है जो अपने आप में बड़ी बहुमूल्य बात है, हम बेशक किसी भी पूजा पद्धति को मानते हैं लेकिन हमारी पहचान सदा सर्वदा हिंदू ही रहनी चाहिए। अब समय आ गया है आज के मुख्य वक्ता पूज्य सरसंचालक जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। उससे पूर्व एक ये दो पुस्तक हैं, 2550 महावीर सूत्रम, जो इसका संकल्प जो है आचार्य प्रज्ञा सागर जी मुनि महाराज और महाविद्या आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने किया है। मैं पूज्य सरसंचालक जी से प्रार्थना करता हूँ, मुनिवर के डॉक्टर अनिल जी एक मिनट आप साथ आइए करवा दीजिए। रविंद्र कीर्ति जी महाराज, एक राम जन्मभूमि के सुनील सागर जी महाराज की स्तुति है, वो भेंट कर रहे हैं। कन्हैयालाल जी और गजराज जी और सभी लोग भी आज हैं। विशेष रूप से पूरे अयोध्या का उसके अंदर चित्रण है और जो ये राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका भी चित्रण है, वो पूज्य सरसंचालक जी को सकल समाज की ओर से और भेंट शुरू किया गया। जयपुर के शांतिलाल जैन जी ने विशेष रूप से इस पूरे चित्र की तैयारी की है, शांतिलाल जैन जी का बहुत आभार है। मैं पूज्य सरसंचालक जी से प्रार्थना करता हूँ हम सबका मार्गदर्शन करें। पूज्य सरसंचालक जी, सकल जैन समाज की ओर से माननीय सरसंचालक जी को एक कृति और चांदी का कलश मिला। पूजनीय सरसंचालक जी भोजन के समय भी हम सबके जो जितने भी वीआईपी हैं उन सबके समक्ष रहेंगे, तो उस समय का भी हम सदुपयोग कर सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम की समय की मर्यादा है। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जो राम जन्मभूमि जयदू स्तुति प्राकृत भाषा में आचार्य भगवान सुनील सागर जी के माध्यम से जो राम जन्मभूमि के महोत्सव के उपलक्ष्य में जो रची थी उसका वाचन आप सबके सामने प्रस्तुत है। भाई
हमारे जैन बंधुओं का सारा राष्ट्रीय व्यवहार सामाजिक व्यवहार संभालने वाले पुरोधा गण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये संघ के दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हम एकात्मता स्तोत्र कहते हैं, रोज कहते हैं, प्रातः काल में कहते हैं, उसमें नित्य भगवान महावीर का स्मरण करते हैं। हमारे ज्ञान निधि में जैन आगमों की भी गणना करते हैं, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतञ्च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रन्थः शतांगिरः एष ज्ञाननिधिः सर्व श्रेष्ठ। ये हमारे भारत की ज्ञान निधि है। और बुद्धा जिनेन्द्रा गोरक्षा पाणिनिष्ठ पतंजलि शंकरो मध्व निपालको श्री रामानुज वल्लभो झूले लालोथ चैतन्य तिरुवल्लुवरस्तथा नायन मार आलवाराश्च कम्बश्च बसवेश्वरा। ये इस ज्ञान निधि के सब प्रवर्तक है, उपदेशक है, और ये हमारी सबकी ज्ञान निधि है, क्योंकि एक ही निष्कर्ष सब बताते हैं। जब ज्ञान की खोज चली, दुनिया में भी चली, हमारे यहां भी चली, तो दो प्रवृत्तियां चली। हमारी परंपरा की भाषा में एक श्रमण धारा है और दूसरी वैदिक या ब्राह्मण धारा कहते हैं। अंतर क्या था? खोज तो एक ही बात की करनी थी कि शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, लेकिन निकले दो अलग दिशाओं में। सब में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा करते हुए जहां है वहां पहुंच जाएंगे। जिसमें नहीं है उसको छोड़ते चले जाएंगे, तो जिसमें है वो स्वतः सामने आ जाएगा। ये निवृत्ति पर धारा है। और जो कुछ सब है उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी ऐसे करेंगे तो उसमें जो असार है वो निकल जाएगा और जो है वो सामने आ जाएगा। ये दो दिशाएं खोज की थी। खोज का विषय एक ही था, शाश्वत सुख देने वाला सत्य सबको चाहिए था। दुनिया में भी ऐसे ही दो जगह, दो दिशाओं में लोग चले, लेकिन दुनिया और भारत में ही अंतर रहा है कि बाहर की खोज करके दुनिया रुक गई और हमने बाहर की खोज होने के बाद अंदर खोजना प्रारंभ किया और उस सत्य तक पहुंच गए। अब वो सत्य है लेकिन देखने वाले की दृष्टि है,
तो पानी का गिलास है, कोई कहता वो आधा भरा है, दूसरा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है पानी कम है, चौथा कहता है गिलास बड़ा है। वर्णन अलग अलग है, वस्तु एक ही, स्थिति एक ही। ऐसे देखने वाले की प्रकृति दृष्टि, इसके आधार पर रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पतयुता, ऐसे उस सत्य का वर्णन हुआ। तो दर्शन धर्म अलग अलग बन गए, बन गए, बने रहे और चल रहे, साथ चल रहे, क्योंकि सारा ये जो अपने अपने रुचि के लिए, प्रवृत्ति के लिए वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा जो ऐसी जो यात्रा थी, वो अलग अलग प्रकार से चली, तो भी खोज एक चीज की होने के कारण जहां पहुंचे वो बात तो एक ही थी। साध्वी जी ने कहा कि महावीर को मानना सरल है, महावीर का मानना कठिन है। वो जो का है वो सबने एक ही बताया, सत्य, करुणा, अहिंसा, पवित्रता और तपस। वो प्राप्त करने के लिए तपस आवश्यक है, बाकी तीनों बातें। और वो तपस का तरीका भी एक ही है कि बाहर की चीजों से मुक्त होकर अंदर के सत्य को प्राप्त करो। बाकी दुनिया ने सोचा कि सुख बाहर है, और बाहर की सुख दुनिया में देखा उन्होंने कि वो सुख टिकता नहीं है, वो बार बार प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए उनका ध्येय बना कि ज्यादा से ज्यादा लंबा जियो और ज्यादा से ज्यादा भोग करो, और भोग की वस्तुएं कम है, भोग करने वाले बहुत ज्यादा है, तो स्पर्धा होगी, स्पर्धा जीतने के लिए बलवान बनो, बलवान होकर विजय प्राप्त करो, बाकी लोग आपकी दया पर रहे, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए जब चाहिए तब लाके दे, तब उनको रखो, नहीं तो आप चाहे जो उनका कर सकते हो। ये जीवन का सत्य है, बाहर की दुनिया में जाएंगे तो यही सत्य प्रतीत होता है, जंगल का न्याय ही चलता है ऐसा लगता है। लेकिन वहां अंदर की खोज करने के लिए, वो भी जो खोजना था वो अलग था, उनको भौतिक सुख चाहिए था, इसलिए वो मोक्ष तक तो पहुंच गए, मोक्ष मिला नहीं लेकिन उपासनाएं तो निकली। सृष्टि को चलाने वाला कोई है या नहीं है इसको लेकर अलग अलग, लेकिन कुछ है। लेकिन वो किस लिए है, किस लिए चाहिए, ताकि भरपूर खा सकूं, भरपूर उपभोग कर सकूं। अब ये बाहर की जड़ दृष्टि है वो सबको अलग अलग बताती और जोड़ती किसी को नहीं, क्योंकि उसमें समन्वय नहीं है, उसमें स्ट्रगल है, संघर्ष है, स्पर्धा है। हमारे यहां लोगों ने बाहर का नहीं मिला, बाहर टिकने वाली बात मिली नहीं तो छोड़ा नहीं, उन्होंने अंदर खोजा और उनको जोड़ने वाला तत्व मिल गया। और इसलिए जब हम सत्य कहते हैं तो सत्य हम यही कहते हैं कि सब अपने हैं। महावीर स्वामी जी का उपदेश अभी जो आचार्यों ने बताया वही सारा है, उस पर मैं अधिक बोलूं इसकी आवश्यकता नहीं। सभी अपने हैं, सुख जड़ पदार्थों में नहीं है। तुमको अकेले को एक व्यक्ति को जीना नहीं है, व्यक्तिवाद को छोड़ो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, अहिंसा से चलो, संयम करो, अपरिग्रह करो, चोरी मत करो, दूसरे के धन की इच्छा मत रखो। ये सारी बातें जीने का तरीका जो बताया गया वो सबने समान बताया, और आज हम देखते हैं वो तो शाश्वत है जैसा कहा गया। सारे विश्व की समस्याएं उसकी अनदेखी से निकली है। विश्व में कलह है, विश्व में दुख है, क्यों है, इसीलिए है कि पहले तो
मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति नहीं, हम ही सही बाकी सब गलत। तो बाकी सब अगर गलत है तो उनके लिए यही बताया जाता है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम छोड़ देंगे, या नहीं तो हम तुम्हारा कान पकड़कर अच्छे रास्ते पर लाएंगे, नहीं मानोगे तो मारेंगे, फिर भी नहीं मानोगे तो मार ही देंगे। रामलला अयोध्या में उस दिन ये सब कहा गया जो यहां हमको बताया गया कि अयोध्या में कलह नहीं होता। राम जन्मे दशरथ जी के घर पर, और जिस दिन कलह उत्पन्न किया गया मंत्रा के द्वारा, वो राजमहल के बाहर चले गए, वन में चले गए 14 साल। दुनिया में कलह था उसको समाप्त करके वापस आए, क्योंकि 14 साल भरत ने बिना कलह राजगद्दी संभाली राम की पादुका रख। ये बुद्धि 14 साल तक जब टिकी रही तो रामलला वापस आए। अब फिर से एक बार आए हैं तो हम तो भी उसी रास्ते पर चलना है, और उस रास्ते का उसकी पूर्णता में दो टूक शब्दों में अपने जीवन के उदाहरण के साथ दर्शन हमारे सामने भगवान महावीर ने रखा है। उसको याद करना, उसको समझना, और एक एक छोटी छोटी चीज अपने जीवन में उतारना। एकदम तो हम बढ़ नहीं सकेंगे, एकदम भगवान महावीर बनना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने भी कितने वर्ष तपस्या की, हम एक एक कदम बढ़ा सकते हैं। हम कहेंगे बहुत दूर है वहां, कैसे जाएंगे, तो जहां है वहीं रहेंगे। कैसे जाएंगे सोचने के बजाय चलना प्रारंभ करेंगे तो कैसे जाना भी पता चलेगा, और एक दिन पहुंच भी जाएंगे। योजना नाम सहस्रम तु शनैर गच्छेत पिपीलिका, चींटी चलती अपने छोटे छोटे कदमों में, सहस्रों योजन चली जाती है, गांव के गांव बदल देती है। अगच्छन वैनतोऽपि पदम एकं न गच्छति, और गरुड़ है महाशक्तिशाली है, पंखों में ताकत है सारे आसमान को आलोड़न करने की, परंतु उड़ता ही नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो हम गरुड़ हो या चींटी हो, कदम बढ़ाने का महत्व है। और इसलिए इस वर्ष में हम संकल्प ले कि अगले वर्ष 2551वां कल्याणक जब आएगा, तब तक हम अपने जीवन में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, एकांत, अनेकांतवाद, स्यादवाद, इन सारे मामलों का विचार करके कौन सी दो नई अच्छी बातें जोड़ेंगे, कौन सी दो नई दो पुरानी बुरी बातें छोड़ेंगे। ऐसा अगर स्वयं का निरीक्षण करके छोटे छोटे परिवर्तन हम प्रतिवर्ष करते चले जाते हैं, तो कर्म तो हमारे हाथ में, हमारे सभी धर्मों में। और एक समानता की समानता का वैशिष्ट्य है, सब लोग कर्म करने की मनुष्य की स्वतंत्रता, और कर्म करने के बाद उसके फल को स्वीकार करने की, उसके फल यानी उसके उसके बख्शीश नहीं, उसके जो परिणाम होंगे उसकी जिम्मेवारी उसको स्वीकार करनी ही पड़ती हो, और उसको परिणाम भोगने पड़ते, इस पर सब लोग विश्वास करते। और इसलिए हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म से हमारा भविष्य काल ठीक हो जाए, चाहे वो अगला वर्ष हो या अगला जन्म हो, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि मनुष्य की प्रगति थमती नहीं है, वो सदैव चलती है। जन्म जन्मांतर की यात्रा में वो उसको पूर्ण कर लेता है, और एक दिन अंदर के इस सुख को पाकर एक छोटा महावीर वो भी बन जाता है। ये यात्रा हम प्रारंभ करें, इस यात्रा का संकल्प हम सब लें, उस यात्रा में बढ़ने वाले सभी को आपके प्रगति की अनेकों शुभकामनाएं उस यात्रा में, और हमारे मुनि आचार्य संतों का ऐसा ही मार्गदर्शन हमें नित्य प्राप्त होता रहे, यह उनके चरणों में प्रार्थना, और आपके लिए भी ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार है पूज्य सत्संग चालक जी का। दुनिया बाहर की खोज तक रुक गई, और हमारे ऋषि मुनि ने अंदर की खोज की।
और उसी की अंदर की खोज से संदेश निकला, महावीर को मानना सरल है, महावीर का कहा हुआ अपनाना साधना है, तप है, हम इस साधना और तप में लगे रहें। ऐसा आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी संत वृद्ध साध्वी श्री व पूज्य सत्संग चालक जी का आशीर्वाद है, हमें शिरोधार्य है, कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। धन्यवाद निवेदन और मंगल वचन के साथ, मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। दो तीन निवेदन हैं, भोजन की व्यवस्था है कार्यक्रम के पश्चात, बहनों के लिए अलग से स्टॉल हैं, भोजन लेके जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हॉल में रहेंगे, कुछ उनके लिए कार्य हैं उसकी चर्चा करेंगे। मैं माननीय प्रांत संचालक जी से प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से, धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी की 2550वें निर्वाण वर्ष के कल्याणक महोत्सव में अगर 2 मिनट के लिए आप सब बैठ जाएंगे तो कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएगा। परम पूजनीय भगवान साधु व साध्वी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सत्संग चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, क्षेत्र संचालक श्री सीताराम जी, मंच पर विराजित सकल जैन समाज की प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित समाज के सभी प्रमुख प्रतिष्ठित बंधु भगिनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, जय जिनेन्द्र। अत्यंत आनंद व हर्ष का विषय है कि पूज्य संत हमारे निमंत्रण पर स्वयं यहाँ पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि सभी पूज्य साधु साधुओं का आशीर्वाद हमें मिला है। हमें आचार्य वीर धर्म धुरंधर जी सूरी का पावन आशीर्वचन संदेश भी इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर के अहिंसा, दया, करुणा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह के उपदेश आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक व अनुकरणीय हैं। जैन समाज की सभी आमनाओं के प्रमुख व अति विशिष्ट बंधु भगिनी भी पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम धन्य हैं कि जैन समाज की सभी अखिल भारतीय संस्थाओं, भगवान महावीर मेमोरियल समिति, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैन महासंघ, जैन कॉन्फ्रेंस, जैन श्रावक समिति, जैन महासभा, जैन महामंडल, श्री वर्धमान आत्मवल्लभ समिति, श्री श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, जैन युवा मंडल, जैन महिमा मंडल के पदाधिकारीगण भी आज हमारे मध्य में हैं। जैन समाज तो हमेशा से ही सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर सहभागी रहता है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। परम पूज्य सत्संग चालक जी का उद्बोधन भी हमें सुनने को मिला है, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ दिल्ली प्रांत की ओर से आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। समाज जीवन के विभिन्न कार्यक्रमों में हम सहभागी रहेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में, नियोजन में व आतिथ्य में भूल व कोई न्यूनता अथवा त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म। कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं में लगे सभी बंधु भगिनी का मैं धन्यवाद करता हूँ। विज्ञान भवन के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सिक्योरिटी स्टाफ, ट्रैफिक पुलिस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं इत्यादि का हृदय से आभार, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगल पाठ के साथ आज के कार्यक्रम सभी संत वृद्ध और साध्वी जी विहार करेंगे। आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। जैसा पहले निवेदन किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्तागण हॉल में ही बने रहेंगे।